भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर बोकारो में समारोह का आयोजन किया गया। बोकारो क्लब में जिला स्तरीय स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिरकत की। 19 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, साथ ही 73 करोड़ की परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम से विपक्षी नेताओं ने दूरी बनाई। कार्यक्रम में ना तो धनबाद के सांसद और ना ही जिले के विपक्षी विधायक मौजूद रहे। विपक्षी का काम ही है शुभ काम में नहीं रहना, जो आप योजना नेचर से वो परेशान है, नचरे है झारखंड का विरोध करना। ये स्थापना दिवस है, कोई पार्टी का बात नहीं है। हम लोगों ने कोई झंडा बैनर नहीं लगाया, पार्टी का स्थापना राज्य का स्थापना दिवस है, रहना चाहिए। देखिए जो राज्य का मुखिया का जो व्यवस्था है, सारे लोगों को निमंत्रण किया गया था, आना नहीं आना उनका अपना विवेक का चीज़ है। विवेक में जैसा विवेक अपना जो अलाव करेगा किया, लेकिन ये झारखंड का हित में उसका विवेक अलाव नहीं किया। बिरसा जयंती और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मनीष जायसवाल पहुंचे। बड़गांव में ये कार्यक्रम हुआ जहां सिमरिया विधायक भी मौजूद रहे। यहां स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया था। विधायक मनीष जायसवाल और सिमरिया विधायक किशन दास सहित अन्य तमाम मेहमानों का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया गया। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर यहां माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आदिवासी रीति रिवाज से पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ मेहमानों का स्वागत भी यहां मौजूद युवतियों ने किया है और विधायक मनीष जायसवाल भी इस दौरान थिरकते हुए नजर आए नगाड़ों की थाप पर। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि आदिवासी समाज अपने मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करता और ना ही कभी करेगा। भगवान बिरसा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो उलगुलान किया था उसे जारी रखते हुए वर्तमान समाज में फैली अशिक्षा, अंधविश्वास, कन्या भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, अत्याचार जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड निर्माण के 22 वर्ष पूरा होने के अवसर पर स्थानीय शिल्प ग्राम भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने डीसी मंजुनाथ भजंद्री की प्रशंसा भी की। मंत्री ने कहा कि सिर्फ हम विज्ञापन पर नहीं काम पर विश्वास करते हैं। आज झारखंड के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान है। झारखंड में इस दौर से अब हम गुजर रहे हैं। को संकल्प लेना है कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की स्थापना की गई, विषम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद झारखंड जितने आंदोलनकारी थे, जिन सब ने इस पुनित कार्य में हमारा सहयोग किया, हम उनको याद कर रहे हैं। धरती आबा को याद करते हुए आज का पावन दिन, जो हमने कल्पना किया था कि आबा दिसुम आबा राज का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के लाल हैं, आदरणीय गुरु जी के बेटे हैं, उनके लिए गए साहसिक निर्णयों से अब लग रहा है कि उन उद्देश्यों के हम करीब पहुंच रहे हैं।